हेलो एवरीवन कैसे हो आप सब आई होप आप सब अच्छे से होंगे माय नेम इज़ खान शौकत एंड आई वेलकम यू बैक टू माय यूट्यूब चैनल सी एस ट्रेनर खान शौकत आज हम अपनी जनरल नॉलेज का प्रैक्टिस सेट सिक्स करेंगे और आज के लेक्चर में हम फिर से एमसीक्यूज करेंगे रिगार्डिंग द फिजिकल एंड पोलिटिकल डिविजन ऑफ इंडिया पे ये इस टॉपिक के रिलेटेड हमारा थर्ड पार्ट रहेगा अगर इसका पार्ट वन एंड पार्ट टू अभी तक आपने नहीं देखा है आप प्ले में जा सकते हो वहां पर आपको इसके दोनों पार्ट्स मिल जाएंगे लेक्चर को शुरू करने से पहले आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल अगर आपने अभी तक नहीं किया है एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की क्लास को स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर वन विच इंडियन स्टेट हैज द हाइस्ट नंबर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल मिल्स आपको बताना है इंडिया की कौन सी स्टेट में सबसे ज्यादा कॉटन टेक्सटाइल मिल्स पाई जाती है क्वेश्चन नंबर वन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी महाराष्ट्र ठीक है अब यहां पे आपको दो तीन पॉइंट्स और भी याद रखने हैं लार्जेस्ट कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सी है लार्जेस्ट कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सी है इंडिया में द आंसर इज गुजरात अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जामिनेशन में कि कॉटन को ग्रो करने के लिए किस सॉइल टाइप की जरूरत पड़ती है कॉटन को ग्रो करने के लिए कौन सी सॉइल टाइप की जरूरत पड़ती है द आंसर विल बी ब्लैक सॉइल और इंडिया के किस फिजियोग्राफिक फीचर में सबसे ज्यादा ब्लैक सॉइल पाई जाती है द आंसर इज डेकन प्लेट्यू डेकन प्लेट नाउ लेट्स स्टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर टू ओवर हाउ मेनी इंडियन स्टेट्स डज द डेक प्लेट्यू एक्सटेंड आपको बताना है डेक एन प्लेटू इंडिया के कितने स्टेट्स को कवर कर लेता है क्वेश्चन नंबर टू का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी डेक एंड प्लेट्यू आठ स्टेट्स को कवर कर लेता है और वह आठ स्टेट्स कौन सी हैं तेलंगाना आंध्र प्रदेश तमिलनाडु, केरला महाराष्ट्र कर्नाटका ये छह स्टेट्स को डेक प्लेटो प्लेटू एंटायरली कवर कर लेता है एंड सम पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ तो अगर देखा जाएगा डेकन प्लेटू टोटल में कितने स्टेट्स को कवर कर लेता है एट आठ स्टेट्स क्या है तेलंगाना आंध्र प्रदेश तमिलनाडु केरला महाराष्ट्र कर्नाटका एंड सम पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ नेक्स्ट पॉइंट जो आप यहां पे याद रखोगे ये भी आपको पता ही होगी होपफुली अगर मैं इंडिया का सदर्न पार्ट ड्रॉ करूंगा दिस इज ददर्न पार्ट ऑफ इंडिया और यहां पे क्या करता है दिस इज दी डेकन प्लेटि ठीक है डेकन प्लेटू के इस साइड में क्या पड़ता है वेस्टर्न घाट्स और इस साइड में क्या पड़ता है ईस्टर्न घाट्स तो अगर आपको क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा डेकन प्लेट्यू कहां पे लोकेटेड है इट इज लोकेटेड बिटवीन टू माउंटेन रेंज वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स कुछ स्टूडेंट्स के लिए पॉइंट्स काफी ज्यादा बेसिक होंगे बट अगर कोई पहली बार पढ़ रहा है तो उसके लिए ये इंपॉर्टेंट है वैसे ये सबको पता होनी चाहिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं सियाचिन ग्लेशियर इज सिचुएटेड टू द the... आपको बताना है सियाचिन ग्लेशियर कहां पे सिचुएटेड है ईस्ट ऑफ एस्का ईस्ट ऑफ ले नॉर्थ ऑफ गिलगेट और नॉर्थ ऑफ नुब्रा वैली क्वेश्चन नंबर थ्री का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी नॉर्थ ऑफ नुब्रा वैली ठीक है अब नुब्रा वैली कहां परियली ये तो सबको पता ही होनी चाहिए इट इज इन दूटी ऑफ लद्दाख और ये जो नुब्रा वैली है ये एक्ट करती है एज अ गेट वे टू सियाचिन ग्लेशियर एंड काराकोरम पास मैं लिख लेता हूं एक्ट एज अ गेट वे टू तो सियाचिन ग्लेशियर एंड काराकोरम पास। एक और पॉइंट आप यहां पे याद रखोगे नुब्रा वैली में आपको एक रिवर भी देखने को मिल जाता है एक इंपॉर्टेंट रिवर है उसका नाम क्या है नुब्रा रिवर नुब्रा रिवर और ये नुब्रा रिवर क्या है ये एक इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है ट्रिब्यूटरी है किसकी शोक रिवर की ठीक है। एक और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है दैट शोक रिवर का एक और नाम भी है दैट इज मैं यहां पे लिख लेता हूं रिवर ऑफ डेथ रिवर ऑफ डेथ नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं वेस्टर्न घाट्स आर डैश ईस्टर्न घाट्स आपको बताना है वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स में क्या रिलेशनशिप है क्वेश्चन नंबर फोर का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए वेस्टर्न घाट्स आर हायर देन ईस्टर्न घाट्स अब वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स के रिलेटेड आप दो तीन पॉइंट्स याद रखोगे वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स पहला पॉइंट जो आप नोट no डाउन करके रखोगे दैट अगर मैं सबसे पहले एवरेज हाइट की बात करूंगा एवरेज हाइट वेस्टर्न गार्ड्स की एवरेज हाइट क्या है बिटवीन 900 टू 1600 मीटर ज ईस्टर्न गार्ड्स की जो एवरेज हाइट है दैट इज 600 मीटर पॉइंट नंबर टू जो आप इसके रिलेटेड नो डाउन करके रखोगे जो वेस्टर्न गार्ड्स हैं दे आर कंटिन्यूअस वाइलेज जो ईस्टर्न गार्ड्स हैं दे आर डिस्कंटिन्यूअस अगर आपको वेस्टर्न गार्ड्स को क्रॉस करना होगा इट कैन बी क्रॉसड थ्रू पासज ओनली इसको हम पासिस के थ्रू ही क्रॉस कर सकते हैं एंड सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट आपको वेस्टर्न गार्ड्स में देखने को मिल जाते हैं एक हैं थाल घाट बोर घाट पाल घाट दीज आर सम द इम्पोर्टेंट पासेज इसके अलावा भी कुछ और हैं बट आप दो तीन याद रखोगे वाइल्स क्योंकि मैंने आपको बताया ईस्टर्न गार्ड्स डिसकंटिन्यूस है कैसे ये डिसकंटिन्यूअस है बिकॉज दे आर डाइसेक्टेड बाई रिवर्स डाइसेक्टेड बाई रिवर्स जो रिवर्स ड्रेन करते हैं इनटू बे ऑफ बंगाल और कौन कौन सी रिवर यहां पे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखनी है एक है महानदी महानदी गोदावरी एंड कावरी कृष्णा एंड कावे ठीक है ये पॉइंट भी आप याद रखोगे एक दो और पॉइंट्स हम यहां पे डिस्कस कर लेते हैं मैं वापस से लिखूंगा वेस्टर्न गार्ड्स और यहां से मैं क्या लिखूंगा ईस्टर्न गार्ड्स। अगर मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन पूछूंगा कि वेस्टर्न गार्ड्स की हाईएस्ट पीक कौन सी है हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न गार्ड्स कौन सी है ये भी आप याद रखोगे आंसर इज अन्नामोडी और अन्नामोडी की हाइट uh, uh, कितनी है दैट इज टू थाउजेंड सिक्स हंड्रेड एंड फाइव मीटर और ये कहां पे पड़ता है किस स्टेट में पड़ता है इट इज इन द स्टेट ऑफ केरला सेम तरीके से अगर मैं आपसे पूछूंगा कि हाईएस्ट पीक हाईएस्ट पीक ऑफ ईस्टर्न गार्ड्स कौन सी है यहां पे आंसर वेरी करता है मोस्ट प्रोमिनेंट इसका आंसर रहेगा जिंदा घोड़ा जिंदा घोड़ा बट अगर आप क्लास नाइन्थ की ही एनसीईआरटी देखोगे ना वहां पे लिखा गया है महिंद्रगिरी बट आफ्टर टेकिंग डेटा फ्रॉम टू थ्री सोर्सेस इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा आई थिंक इट विल बी जिंदा घोड़ा ठीक है याद रखना जिंदा घोड़ा और uh, क्या है महिंद्रगिरी महिंद्रगिरी इसमें डाउट है बट मैं फिर से बता रहा हूं दिस इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जिंदा घोड़ा नेक्स्ट पॉइंट जो आप यहां पे याद रखोगे दैट इज ये जो वेस्टर्न गार्ड्स और ईस्टर्न गार्ड्स आपस में कहां पे मीट करते हैं वेर दे मीट विथ ईच अदर दे मीट एट नीलगिरी हिल्स नीलगिरी हिल्स ठीक है अब एक और क्वेश्चन आपके लिए ये वेस्टर्न गार्ड्स जो है ये किस किस स्टेट में लाई करते हैं मैं इसको रब कर लेता हूं फिर से मैं बता रहा हूं आपको वेस्टर्न गार्ड्स की मैं बात कर रहा हूं ये एक इंडिया के किस किस स्टेट में लाइ करता है इट लाइज इन गुजरात महाराष्ट्र गोवा कर्नाटका एंड तमिलनाडु ठीक है अगर आपने मैप अच्छे से याद रखा होगा तो आपको ये सारे पॉइंट्स याद रखने की जरूरत नहीं है बिकॉज ये आपका वैसे ही कवर हो जाएगा नाउ लेट्स मूव ऑन टू ओवर क्वेश्चन नंबर फाइव थार डेजर्ट इज ऑल्सो नोन एज आपको बताना है थार डेजर्ट का एक और नाम क्या है क्वेश्चन नंबर फाइव का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी द ग्रेट इंडियन डेजर्ट ठीक है B, यहां पे भी आप एक दो पॉइंट्स याद रखोगे इंडियन डेजर्ट कहां पे लाइक करता है इट लाइज टू वर्ड्स वेस्टर्न मार्जिन ऑफ अरावली हिल्स अरावली हिल्स ठीक है अगर आपने मैप देखा होगा वहां पे आपको देखने को मिल जाएगा यहां पे अरावली हिल्स और इसी अरावली हिल के वेस्टर्न साइड में आपको देखने को मिल जाता है ग्रेट इंडियन डेजर्ट यहां पे एक दो पॉइंट्स आप और भी याद रखोगे इंडियन डेजर्ट में यहां पे होता है फॉर्मेशन ऑफ सैंड का और अगर आप जाते हो टुवर्ड्स द इंडो पाकिस्तान बॉर्डर ठीक है तो यहां पे फॉर्मेशन होता है लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स का और उन्ही लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स को क्या बोला जाता है बारचंस बारचंस यह भी आप याद रखोगे एंड वॉट इज अ बार्चन बार्चन इज अट शेपड ड्यून लास्ट पॉइंट अगर मैं इस क्वेश्चन के बारे में आपको बताऊंगा यहां पे आपको यह भी पता होना चाहिए कि इसी इंडियन डेजर्ट में आपको खाली एक ही प्रोमनेंट रिवर देखने को मिल जाती है उस रिवर को क्या बोला जाता है लोनी रिवर ठीक है लोनी रिवर इज द ओनली लार्ज रिवर इन दिस पर्टिकुलर रीजन क्वेश्चन नंबर सिक्स के बारे में बात कर लेते हैं द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन ऑफ इंडिया इज नोन एज आपको बताना है नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन ऑफ इंडिया को क्या बोला जाता है यू हैव टू चूज द आंसर फ्रॉम द गिवन फोर ऑप्शन ओनली क्वेश्चन नंबर सिक्स का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी कौन कोस्ट अब इस क्वेश्चन के रिलेटेड भी हम सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहां पे डिस्कस करने की कोशिश कर लेते हैं सबसे पहले मैं यहां पे सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया का मैप ड्रॉ करूंगा और आप सबको पता है बार बार ये भी मैंने आपको बताया है कि इस साइड से क्या पड़ता है वेस्टर्न घाट और इस साइड से क्या पड़ता है ईस्टर्न घाट वेस्टर्न घाट से लेके अरेबियन सी तक जो पोर्शन पड़ता है ना इसको क्या बोला जाता है वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया और ईस्टर्न घाट से लेके बे ऑफ बंगाल तक जो पोर्शन पड़ता है इसको क्या बोला जाता है ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया ठीक है नेक्स्ट पॉइंट जो आप इसके रिलेटेड याद रखोगे दैट इज ये जो वेस्टर्न कोस्ट है इट इज एज कंपेयर टू ईस्टर्न कोस्ट वाइल एज ईस्टर्न कोस्ट क्या है इट इज वाइडर इसके वाइडर होने का रीजन है रिवर्स दैट फ्लो इन टू बंगाल अब हम इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं वापस से मैं फिर से मैं बनाऊंगा यहां पे साधारण पार्ट का ये पर्टिकुलर पोर्शन ऑफ कोस्ट जो यहां पर पड़ता है ना इसको बोला जाता है मालाबार कोस्ट मालाबार कोस्ट ठीक है और यहां पे जो ये स्पेसिफिक पोर्शन ऑफ द कोस्ट पड़ता है इसको बोला जाता है कन्नड़ कन्नड़ कोस्ट ये पर्टिकुलर पोर्शन ऑफ कोस्ट जो यहां पे पड़ता है इसको बोला जाता है कॉनकन कोस्ट कॉनकन कोस्ट ठीक है लाइकवाइज अगर मैं बात करूंगा ईस्टर्न कोस्ट की यहां से ये जो पोर्शन ऑफ कोस्ट पड़ता है इसको बोला जाता है कोरोमंडल कोस्ट और यहां से यहां तक ये पोर्शन जो है कोस्ट का इसको बोला जाता है नॉर्दर्न सिरगार्स ठीक है अब इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा था नॉर्दर्न पार्ट ऑफ वेस्टर्न कोस्ट वेस्टर्न कोस्ट के नॉर्थ साइड में क्या पड़ता है कौन कोस्ट इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या रहेगा ऑप्शन सी देखा जाएगा तो इसके अलावा भी ऊपर वाले पोर्शन में यहां पे गुजरात के स्टेट में एक और कोस्ट पड़ता है जिसको बोला जाता है का, का, काथियावाड़ कोस्ट ठीक है लेकिन वो हमारे ऑप्शन में ही नहीं है इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या रहेगा ऑप्शन सी लेट्स मूव ऑन टू ओवर क्वेश्चन नंबर सेवन इन विच ऑफ द फॉलोइंग आईलैंड इज इंडियाज ओनली एक्टिव वेलकनो फाउंड आपको बताना है फ्रॉम द गिवन फोर आईलैंड इनमें से कहां पे इंडिया का ओनली एक्टिव वेलकनो पाया जाता है क्वेश्चन नंबर सेवन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी बैरन आयलैंड एंड देखा जाएगा ये जो एक्टिव uh, वेल्कनो है दिस इज नॉट ओनली इंडियाज एक्टिव वेल्केनो दिस इज द ओनली एक्टिव वेल्कनो ऑफ साउथ ईस्ट एशिया साउथ ईस्ट एशिया और ये बैरन आइलैंड कहाँ कहां पड़ता है इट इज इन दंडामन एंड निकोबार आइलैंड और अगर आप स्टॉक असिस्टेंट की प्रिपरेशन कर रहे हो वहां पे आपका एक टॉपिक पड़ता है स्टेट एंड कैपिटल का आप मुझे बताओ एंडामन और निकोबार की कैपिटल क्या है द आंसर इज पोर्ट ब्लेयर लेट्स मूव ऑन टू टूवर क्वेश्चन नंबर एट एंडामन एंड निकोबार आइलैंड्स आर सबमर्ज पार्ट्स ऑफ माउंटेन रेंज कॉल्ड आपको बताना है एंडामन और निकोबार आइलैंड्स जो है ये किस माउंटेन रेंज के सबमर्ज पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर एट का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए आर्कन योमा माउंटेन्स ठीक है नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये कैसे इसका सबमर्ज पार्ट है अकॉर्डिंग टू द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियोरी जब जो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में भी एक बार बताया था जो पेंजिया था उसके बहुत सारे टुकड़े हो गए थे एक प्लेट यहां से बन गया था जिसको बोला जाता था यूरेशियन प्लेट जिसको बोला जाता था यूरेशियन प्लेट और यहां से एक और प्लेट ड्रिफ्ट कर रहा था टुवर्ड्स नॉर्थ जिसको बोला जाता था इंडियन प्लेट और इस यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट के बीच में एक सी था जिसको बोला जाता था तेथी सी तेथीस सी. और ये जो यूरेशन प्लेट है यहाँ से बहुत सारे रिवर्स ड्रेन करते थे इस सी के अंदर इस तरीके से और वो अपने साथ क्या ला रहे थे सेडमेंट्स ला रहे थे तो वो सीडमेंट्स धीरे धीरे करके डिपॉजिट हो रहे थे इस तिथि सी के अंदर इस तरीके से और यहाँ से ये इंडियन प्लेट ड्रिफ्ट कर रहा था टुवर्ड्स नॉर्थ एक टाइम आया जब ये स्ट्राइक कर रहा था किसके साथ यूरेशियन प्लेट के साथ जिसकी वजह से यहाँ पे क्या हुआ था फॉर्मेशन हुआ था किसका हिमालयाज का ठीक है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और यहां से एक और प्लेट थी जिसको बोला जाता था बर्मा प्लेट और यू कैन से म्यांमार प्लेट ठीक है तो आपको पता होगी जो हिमालयन माउंटेन्स है ना वो साउथ ईस्टर्न स्टेट्स में बैंड करते हैं टुवर्ड्स व्हाट साउथ कुछ इस तरीके से और यहां पे बर्मा प्लेट के साथ टकराने के बाद यहां पे एक और माउंटेन रेंज खड़ी हो गई थी जिसको बोला जाता है अर्कन माउंटेन और इसी अर्कन माउंटेन का जो ये सदर्न वाला पार्ट है ये सबमर्ज हो गया था सबमर्ज होने के बाद ये यहां पे क्या हुआ था रिमर्ज हुआ था यहाँ पे रिमर्ज हुआ था दैट इज वाई आई टोल्ड यू दैट ये जो अंडमान और निकोबार आईलैंड हैं ये किसके सबमर्ज पार्ट हैं अर्कन योमा माउंटेन के ठीक है और यहां पे अभी भी अर्कन योमा माउंटेन क्योंकि लाइक कर रहा है यहाँ पे अर्कन माउंटेन लाइक कर रहा है और यहाँ पे क्या है इसका एक सबमर्ज पार्ट है जिसको हम बोलते हैं अंडामन और निकोबार आइलैंड इसके बीच में जो ये वाली गैप आ रही है ना इसको बोला जाता है कोका चैनल इसको बोला जाता है कोका चैनल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप सबके लिए बात करते हैं आज के इस सेशन के सेकंड लास्ट क्वेश्चन के बारे में द जियोग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया हैज क्लासिफाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आईलैंड एज डॉर्मेंट वेलकनो आपको बताना है जियोग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने किस आइलैंड को क्लासिफाई किया है एज डॉर्मेंट वेलकनो क्वेश्चन नंबर नाइन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी नारकोंडम आइलैंड ठीक है और ये नारकोंडम आइलैंड फिर से कहां पे पड़ता है इट इज इन एंडमन ग्रुप ऑफ आइलैंड्स एंड दिस इज दाइस्ट पीक सेकेंड हाइएस्ट पीक इन एंडमन एंड निकोबार एंडमन एंड निकोबार। अब आप मुझे बताइए हाईएस्ट पीक कौन सी है अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स में मैं फिर से बात कर रहा हूं हाईएस्ट पीक के बारे में हाईएस्ट पीक इन अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स क्या है उसको बोला जाता है सैडल पीक बात करते हैं आज के सेशन के लास्ट क्वेश्चन के बारे में एंडामन आईलैंडस एंड निकोबार आईलैंड आर सपरेटेड बाई आपको बताना है एंडामन आइलैंड और निकोबार ग्रुप ऑफ आईलैंड आपस में सेपरेट किसकी वजह से हो जाते हैं क्वेश्चन नंबर टेन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी टेन डिग्री चैनल ठीक है एज इट इज आप ये सारे पॉइंट्स याद रखोगे इसी तरीके से प्रीवियस क्लास में एक बारी मैंने आपको बताया था जो हमारा लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है वहाँ पे भी जो यहां पे मिनी कॉय पड़ता है मिनी कॉय पड़ता है इसको सपरेट कौन करता है फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द लक्षद्वीप उसको हम बोलते हैं नाइन डिग्री चैनल लाइक वाइज मिनी कॉय को सपरेट कौन करता है मालदीव से मालदीव से उसको हम बोलते हैं ए डिग्री चैनल लाइकवाइज इंडिया को सपरेट कौन करता है श्रीलंका से द आंसर इज पार्क स्ट्रीट एंड गल्फ ऑफ मन्नार ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको एज इट इज याद रख लेने हैं तो होपफुली आज के सारे के सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे इन केस कहीं पे कोई भी डाउट आता है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बताओगे होप यू लाइक द सेशन अगर अच्छा लगा डू हिट द लाइक बटन और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ और अगर आपको इस लेक्चर की भी पी चाहिए होगी आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो वहां पर आपको सारी पी मिल जाएगी तो मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट लेक्चर में टिल देन टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ गुड बाय